अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है सबके? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी, ये टाइम है सुबह का और फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। मुस्तफ़ा भी मेरे साथ है। अब तो यार वो वाला टाइम आ गया था कि बच्चे खुद चाह रहे थे कि स्कूल ओपन हो जाए। मुस्तफ़ा माशाल्लाह आज इतना एक्साइटेड था स्कूल आने के लिए कि नमाज के टाइम पे 5:30 पे खुद ही उठ गया और उसके बाद इसने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, रेडी हुआ और हम 7 o'clock घर से, बल्कि उससे भी पहले निकला। जब हम स्कूल पहुँचे तो 7:25 हो रहे थे और 8 o'clock स्कूल स्टार्ट होना था। तो एक तरह से फ्रेंड से मिलने की एक्साइटमेंट भी थी, तो हमने कहा चलो थोड़ा जल्दी चलते हैं। सेकेंडली इसने कुछ बुक्स लेनी थी जो स्कूल से ही लेनी थी और उसके लिए भी ये हमें अंदर ही नहीं आने दे रहा था। कह रहा था नहीं, मतलब अब ये सोचता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ और इसको इतनी एम्बेरसमेंट होती है मैं या मेरे हस्बैंड इसके किसी काम में इसके साथ होना, तो ये बहुत फील करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इसको करने दे, अच्छी बात है। स्कूल के बैक साइड पर पूरा वो एरिया है जहाँ से इसकी वर्क बुक्स और वो सब मिलना था, तो मैंने कहा अच्छी बात है, इसको खुद भी करना चाहिए। वैसे लास्ट ईयर भी खुद ही किया था इसने, तो बस इसलिए हमने थोड़ा टाइम पे भी इसे ड्रॉप कर दिया कि ये अपने काम भी कर लेगा। इसके फ्रेंड्स वगैरह थे जो इसका वेट कर रहे थे। और फिर यहाँ के बाद हमें जाना था बैंक, इसकी कुछ चीज़ें थी स्कूल से रिलेटेड जो बैंक से होनी थी। और हम जो है एक घंटा पूरा था हमारे पास क्योंकि बैंक 9 o'clock खुलना था। तो हम दोनों जो है सोच रहे थे हम क्या करें, तो हमने कहा चलो ब्रेकफास्ट डेट तो बनती है ना, अब हम इतना हम आ ही गए हैं बाहर तो वाई नॉट। तो जी ये जो F10 का एरिया है ना, इसमें G11, G10, G9 कोई एरिया हमने ऐसा छोड़ा नहीं जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट ट्राई ना किया हो, लेकिन हमें जो है ना कहीं पे भी वो ऑथेंटिक जो लाहौरी टेस्ट है ना वो नहीं मिल रहा था। इस्लामाबाद वालों को पता होगा कि यहाँ नाश्ते के मामले में जो है ना ज़रा है ही प्रॉब्लम। एक दो अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्पॉट्स भी हैं, बट हमें नहीं सही लग रहे थे कोई। तो खैर जी, अब फाइनली हमें लास्ट ईयर एक मिल गया है, बहुत मज़े के F10 में एक स्पॉट है। और जी हम वहाँ जा रहे थे, हमने कहा चलो हम अब फारिग हैं तो इस मौके का फ़ायदा उठाएं। ये आफ्टर कोविड जो है ना, हमने बहुत अरसे के बाद जो है इस तरह इस टाइम पर हम निकले हुए थे और वो भी ब्रेकफास्ट के लिए। और आप ये रोड्स देख रहे हैं जहाँ शाम में या दोपहर में पाँव भी नहीं रखा जा रहा होता, वो ऐसे खाली थे और मुझे बस इस चीज़ का बहुत मज़ा आ रहा था। शॉप्स अभी नहीं खुली थी। ऐसे तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि पाकिस्तान में ये सिस्टम क्या है यार, कि आपको मतलब 12 बजे से पहले शॉप्स ही ओपन नहीं होती। थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि थोड़ा अर्ली शॉप्स ओपन हों, लोग अपनी रूटीन को जल्दी स्टार्ट करें। और मतलब अर्ली मॉर्निंग कुछ चाहिए हो तो आपको नहीं मिल सकता। कपड़े वगैरह तो खैर दूर की बात है, जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें, ब्रेड अंडे भी रात को ही लेने पड़ते हैं, तो ये थोड़ा सा होना चाहिए, जल्दी शॉप्स ओपन होनी चाहिए। और जी बस हमारा आ गया है नाश्ता स्पॉट। और इस टाइम तो यहाँ पे इतना सुकून था। और जी ये है नाश्ता, जो कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा ही था। हमने कह के छोटे वाले बोल्स में सर्व करवाया था, बट ये भी काफ़ी खैर ज़्यादा था। एक हमने ऑर्डर किए थे चने अंडे, इनके पास ऑप्शन है आप कोफ्ता डलवा लें, चिकन, एनीथिंग। और साथ में निहारी और रायता और नान। यार ये निहारी इतनी मज़े की थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और हालांकि हमारे साथ कोई बच्चा नहीं था, फिर भी गाड़ी में थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है ज़ाहिर है ऐसी चीज़ खाना, और दो लोग आमने सामने भी नहीं हो सकते। तो हमने गाड़ी के साथ ही ना छोटा सी जगह थी वहाँ टेबल लगवा लिया। एक तो रश नहीं था, शुक्र है, और अच्छा लगा बड़ा। नाश्ता बहुत मज़े का था। बस जी हम आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे थे बैंक और वहाँ से फिर हम लोगों ने घर जाना था। और जी घर जाके मेरे दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही थी, सफाई, खाना, सब कुछ। खैर क्लीनिंग मैंने टाइम पे कर ली थी और घर जाके मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। और कल मैंने पालक काटी हुई थी, वो मैंने रखी हुई थी लाइक फ्रिज में ही, धो के रख दी थी मैंने, उसको फ्रीज़ नहीं किया था। और जी बस मैं चिकन पालक बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन ब्राउन किए थे और उसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया और उसमें एक लेमन का जूस ऐड किया है। लेमन काफ़ी बड़ा था तो मैंने आधा डाला है, लेकिन अगर छोटा हो तो पूरा एक। और जी बस मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ अच्छे तरीके से। पहले मैंने सोचा आलू पालक बना लूँ, फिर मैंने सोचा गोश्त पालक बना लूँ,
रेड दैन मैंने चिकन पालक ही बना लिया। और ये जी अदरक लहसुन जितना बॉटल में था ना, मैंने उसके अंदर पानी डाल के उसको रिंस करके इसमें ऐड कर दिया। वैसे अगर आप बगैर उसके पानी के डालें तो 1 टेबल स्पून पूरा। और जी टमाटर डाला है, साथ ही मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और थोड़ी सी मेथी, थोड़ी नहीं 2 टेबल स्पून मेथी थी क्योंकि पालक में मेथी अच्छी लगती है, तो मैंने उसका मसाला बना के ऑलरेडी रखा हुआ था वो डाल दिया। पालक आप चाहें तो ब्लांच करके रखते हैं, मैं जब इस तरह लंबे टाइम के लिए फ्रीज़ करती हूँ तो मैं उसको एक बार गर्म पानी से निकाल के उसका पानी डिस्कार्ड करके फिर फ्रीज़ करती हूँ। अभी मैंने जल्दी यूज़ करनी थी तो मैंने बस काटी हुई जिस तरह पड़ी थी वो इसी तरह यूज़ की है। बस ये अब मैं पालक इसके ऊपर डाल दूँगी, सालन चिकन के जो सालन था ना उसके ऊपर, और इसको बस 5 मिनट्स के लिए ढांपें तो एकदम से ये ना बहुत जल्दी स्टीम हो जाती है। साथ 3 आलू थे मीडियम साइज़ के, वो मैंने वैसे ही डाल दिए, मैंने कहा शायद कोई ना खाए चिकन तो इस वजह से मैंने आलू भी डाल दिए। और जी बस मैं इसको थोड़ा बहुत पकाऊँगी, थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि पालक अपना पानी काफ़ी छोड़ती है तो पकती जाती है। और ये है जी इसका ट्विस्ट कह लें या इसका मेन इंग्रेडिएंट कह लें, एक तो पालक की कड़वाहट दूर हो जाएगी, थोड़ा ये क्रीमी हो जाएगी। उसके लिए मैंने 1/2 कप दूध जो है ना वो इसमें ऐड किया है और उसको पकने के लिए रख दिया है। अब बस इसको भुनाई करते जाना है, करते जाना है, आपको खुद ही इसकी शक्ल से आइडिया हो जाएगा। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है ना नॉर्मल वाला ऑयल डाला था और 2 चम्मच देसी घी डाला था, उससे ज़रा रिच हो जाता है थोड़ा सा टेस्ट। तो बस जी इसकी भुनाई चल रही है साथ साथ। और पालक जो है मैं इतनी ज़्यादा मैंने नहीं डाली, वैसे मैंने 2 बंच लिए थे, वो भी इतने बड़े बड़े थे, फिर भी पक पक के छोटी सी हो गई। और जी 2 टेबल स्पून मैं मलाई ऐड कर रही हूँ, सिंपल जो दूध के ऊपर से उतरती है, अगर आपके पास पैक वाली है तो पैक डाल दें। वैसे मेरे पास ये दूसरी भी अवेलेबल थी बट मैंने कहा चलो अभी ये है फ्रेश निकली हुई थी तो मैंने वो ऐड कर दिया इसमें। और अगर आप दूध नहीं डाल रहे तो आप 4 टेबल स्पून मलाई डाल दें, उससे ज़रा ये है। दूध मैंने इसलिए डाला था कि मुझे पालक का बहुत तेज़ टेस्ट होता है, वो इतना अच्छा नहीं लगता इसमें, इस तरह से ये क्रीमी हो जाती है। और ये जी काफ़ी देर मैंने इसको भूना और दम पे रखा तो इसकी ये बन गई है फाइनल शक्ल, बहुत मज़े की बनी थी, क्रीमी सी। पालक आपको कम लग रही होगी क्योंकि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी मैंने उतनी ली थी, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। दैट्स द फाइनल शक्ल, मेरी कढ़ाई पे मत जाना प्लीज़ सालन को देखना, कढ़ाई को इग्नोर कर देना आप लोग। और जी आज का ये टास्क भी हुआ डन और दिन अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज़ ओके। फर्स्ट डे था स्कूल का, थोड़ी टेंशन भी होती है इतने दिनों बाद स्कूल स्टार्ट हुआ। और जी शाम थी और मैं कुछ टाइम बैठना चाह रही थी अकेला, सुकून से चाय बनाई यहाँ बैठी हुई थी। दुआ है कि ये कोविड वाली टेंशन ख़त्म हो, बच्चे इसी तरह स्कूल जाएं, लोग अपनी जॉब्स पर जाएं, बहुत मिस करते हैं, मुझे पता है मैं भी, दूसरे लोग भी इस लाइफ को। और जी अपना भी ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।